हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बीन्स आलू फ्राई। आज इसे हम बिना मसाला प्याज और लहसुन के बनाएंगे। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन को अच्छे से गर्म करें। अब इसमें लगभग 7 से 8 चम्मच तेल डाल दें और तेल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें थोड़ा सा सरसों डाल दें और हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें बीन्स और आलू को डाल दें और इसे अच्छे से मिला दे। अब इसका फ्लेम हाई कर दे और हाई फ्लेम में इसे कवर करके 5 मिनट तक पकने दे। पांच मिनट हो चुका है, बीन्स को हम एक बार मिला लेते हैं। आप देख सकते हो बीन्स और आलू से पानी आ चुका है। अब इसे अच्छे से मिला ले। अब इसका फ्लेम मीडियम कर दे। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। साथ में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला दे। अब इसे वापस कवर करें और मीडियम फ्लेम में इसे 5 मिनट तक और पकने दें। पांच मिनट हो चुका है, इसे हम वापस मिला लेंगे। देख सकते हो बीन्स और आलू का जितना भी पानी था वो ड्राई हो चुका है और इससे तेल अलग होने लग गया है। इसे अच्छे से मिला ले। अब इसे वापस कवर करें और मीडियम फ्लेम में इसे 2 मिनट तक और पकने दें। 2 मिनट हो चुका है, इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हो बीन्स और आलू का कलर चेंज हो चुका है। इसे हम वापस कवर करेंगे और लो फ्लेम में इसे 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि बीन्स और आलू हमारा अच्छी तरह से पक जाए। 4 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे बिना कवर किए मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर ले। वन मिनट हो चुका है, इसे अच्छे से मिला दे। बीन्स आलू फ्राई हमारा रेडी है। आपको चेक करके दिखाती हूँ, आलू और बीन्स अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हो ये इजीली कट रहा है, मतलब बीन्स और आलू हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसका फ्लेम बंद कर दे। बीन्स आलू फ्राई हमारा रेडी है। आप इसे गर्म रोटी या पराठा के साथ सर्व करें, आपको इसका टेस्ट पसंद आएगा। ये रेसिपी रोटी और पराठा के लिए परफेक्ट है। आप इसे राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दे और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती है एक और सिंपल टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।